हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साम्राज्ञा क्लासेस। आज का हमारा वीडियो है क्लास टेंथ के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस साइंस से। ये क्वेश्चंस आपके लिए रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम्स, एनटीपीसी और जो भी आईबीपीएस, जहां के भी मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सो लेट स्टार्ट्स अवर वीडियो। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर टू है टेंथ क्लास का, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। कोई भी सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस से ब्लू में बदल दे, उसका पीएच लेवल क्या होना चाहिए। पीएच का एक्चुअली फुल फॉर्म होता है, यहाँ देख लें, ये मैं बता दूँ आपको। ये जो पी एच लिखा हुआ है, पी एच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो कोई भी सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर दे उसका पी एच लेवल क्या होना चाहिए। उसका पी एच लेवल होना चाहिए, देखिए पहले ऑप्शन दिया हुआ है, ए 1, बी 4, सी 5 और डी 10। तो आप इसका उत्तर गैस करें, मैं आपको बता देता हूँ। इसका पी एच लेवल होना चाहिए 10। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एलिमेंट कॉमन इन ऑल एसिड्स इज, एक तत्व है जो सभी अम्लों में समान होता है, मतलब सभी एसिड्स, एसिड को अम्ल कहते हैं। ओके, ऑप्शन है हमारे, क्लोरीन, ए बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन एंड डी ऑक्सीजन। एंड अवर राइट आंसर इज सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज कॉमन एलिमेंट इन ऑल एसिड्स। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ अ हनी बी। जो मधुमक्खी होती है उसके डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शंस हैं, ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी मेथानोइक एसिड। तो आपका सही जवाब है डी मेथानोइक एसिड। एक बार मैं फिर आप लोगों को बता दूं, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बच्चे क्लास टेंथ का बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर इज, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर कैसा इंडिकेटर है या क्या है। ऑप्शन ए टर्मरिक, बी सोप, सी क्लोव, डी रोज पेटल्स। तो आपका सही जवाब है, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर इज अ क्लोव। क्लोव यानी क्या होता है, लॉन्ग। ठीक है, जैसे टर्मरिक का मतलब ऑप्शन ए है, उसका मतलब होता है हल्दी, सोप यानी साबुन, क्लोव यानी लॉन्ग और रोज पेटल्स यानी जो गुलाब की पत्तियां। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिसोल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इन वाटर इज, डिसोल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इन वाटर इज। आपका ऑप्शन नंबर ए है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, सी वॉयलेंट या डी नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सोथर्मिक। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एन इंडिकेटर इज व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड, इंडिकेटर किस प्रकार का कंपाउंड होता है। ऑप्शन ए रेड्यूसिंग एजेंट, बी सॉल्ट, सी स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड, डी वीक बेस और एसिड। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीक बेस और एसिड। ओके, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज, टोमेटो के अंदर कौन सा वाला ऑर्गेनिक एसिड उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है टार्टरिक एसिड, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी मैलिक एसिड। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑक्जेलिक एसिड। ओके, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8, HCl एसिड रिएक्ट्स विथ NaOH टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। यहाँ पे कॉल्ड थोड़ा प्रिंट में नहीं आ पाया है तो मैं आपको बता रहा हूँ,
कि HCl जो एसिड है वो रिएक्ट करता है NaOH के साथ और क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डिसएसोसिएशन रिएक्शन। तो आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए वो है सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग्स शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम मिल्की। दिस सॉल्यूशन कंटेन्स, एक सॉल्यूशन है जो कि मतलब कुचले हुए समझ लो, या मतलब फूटे हुए अंडों के जो शेल्स हैं बाहरी टुकड़े होते हैं उसके साथ मिलने के बाद एक गैस उत्पन्न करता है जो कि क्या कर देता है, जो कि बदल देता है लाइम को, चूने को, दूधिया में, मिल्की में। तो ऑप्शन हैं आपके NaCl, BHCl, CLICl, DKCl। तो आपका राइट आंसर है HCl। उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, HCl। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डाइजेशन, मतलब थोड़ा डाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको मिटाने के लिए। ओके, जैसे देख लेते हैं हम इनडाइजेशन। ओके, तो कौन सी वाली जो मेडिसिन है जो डाइजेशन में मतलब उनको सहायता करती है अगर हमको प्रॉब्लम आ गई है? तो ऑप्शन है एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड या डी एंटीसेप्टिक। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। ओके, नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो हम देख लेते हैं जरा फिल इन द ब्लैंक्सों को। नंबर 1 है द एसिड प्रेजेंट इन लेमन इज, लेमन यानी नींबू, नींबू के अंदर कौन सी एसिड उपस्थित होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, लेमन के अंदर होती है सिट्रिक एसिड, CITRIC, सिट्रिक एसिड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या नाम है, केमिकल नेम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, केमिकल नेम क्या है बेकिंग सोडा का? तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आप लिख सकते हैं NaHCO3, बेकिंग सोडा का NaHCO3। ओके, चलिए अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एग शेल इज मेड अप ऑफ, जो अंडे की ऊपरी परत होती है वो किससे बनती है? वो बनती है आपकी कैल्शियम, वो बनती है आपकी CaLCIUM, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है एग शेल, एक्चुअली जो अंडे की ऊपरी परत होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7, यदि कोई सॉल्यूशन है, कोई घोल है जिसका पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 से ज्यादा हो तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? ओके, तो वो सॉल्यूशन होगा आपका बेसिक, BASIC, क्योंकि 7 से कम होते हैं एसिड। ओके, और 7 से ज्यादा होते हैं बेसिक, और जो 7 पे होते हैं वो कहलाते हैं न्यूट्रल। ओके, 7 नंबर होता है जिस भी एलिमेंट का पावर ऑफ हाइड्रोजन उसे बोलते हैं न्यूट्रल, जो 7 से कम होते हैं उसे बोलते हैं हम एसिडिक, और जो 7 से ज़्यादा होते हैं उसे बोलते हैं हम बेसिक। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मिक्सिंग ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड और बेस विथ वाटर इज हाईली डैश रिएक्शन,
तो इसका मतलब होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका एक्सोथर्मिक, EXOTHERMIC। कहने का मतलब ये है कि जब हम कंसंट्रेटेड एसिड और बेस को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, इसीलिए कौन सा रिएक्शन कहलाएगा ये कहलाएगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, फिल इन द ब्लैंक्स के। टूथ एनेमल क्रोट्स इफ द पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन, जो एक्चुअली आप तो सभी जानते ही होंगे, जो दांत का एनेमल वाला पार्ट होता है वो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे कठोर हिस्सा है हमारे शरीर का, जो टूथ एनेमल मतलब दांत का एनेमल होता है, वो भी मतलब वो उसके अंदर थोड़ा जैसे लोहे में जंग लग जाती है तो उसे हम क्रोजन बोलते हैं, तो वो क्रोट्स हो जाता है, उसके अंदर दाग धब्बे लग जाते हैं। लेकिन वो कब लगते हैं, यदि माउथ यानी मुंह का पीएच लेवल कम होगा, कितने से कम होगा ये हमें पूछा जा रहा है इस प्रश्न में, तो वो होना चाहिए आपका आंसर 5.5 से, 5.5 से अगर कम होगा पीएच लेवल मतलब एसिड ज़्यादा हो जाएगी आपके माउथ में, कहने का मतलब जब अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, आपको डकारें आती हैं बार बार, खट्टी डकारें आ रही मतलब एसिड बाहर निकल रहा है आपका, तो वो माउथ में भी इफेक्ट करता है, तो आपका जो दांत है वो पीले पीले कलर के हो जाते हैं ना बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में ही बता दिया था कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच मान क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, उसका होता है 7। 7 से कम होता है एसिड, 7 से ज़्यादा होता है बेस, ओके, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का होता है एग्जैक्ट 7, तो आपका आंसर 8 होगा 7। चले देखें क्वेश्चन नंबर 9, लिटमस इज अ, लिटमस कैसा इंडिकेटर है, तो लिटमस इज अ नेचुरल, NATURAL, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, डैश चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देती है, वो है एसिड। एसिड में आप जब भी ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे वो किस में बदल जाएगा, रेड में बदल जाएगा, मतलब एनी सब्सटेंस विच कंटेन्स एसिड इन इट, इट विल टर्न ब्लू टू रेड। कोई भी चीज़ है जिसके अंदर एसिड है, यदि आप उसके ऊपर ब्लू लिटमस पेपर लगाते हैं तो वो ब्लू से रेड हो जाएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, नेक्स्ट है अपने ट्रू और फॉल्स। ओके चलिए देख लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये सही बात है क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं डिस्टिल्ड वाटर, सो इसीलिए ये हो जाएगा आपका ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, एसिडिटी इज क्योर्ड बाय एनाल्जेसिक, नो, ये अभी आपको बताया भी था, ये एंटा एसिड से क्योर होती है एसिडिटी, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 फॉल्स। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कैन रेंज फ्रॉम 0 to 14, हाँ कोई भी सॉल्यूशन है उसका रेंज रहता है 0 से लेके 14, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू, TRUE। ओके मैं लिख नहीं रहा था, लिख के भी बता देता हूँ, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये FALSE फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, HCl इज़ अ वीक एसिड, तो HCl बहुत ही स्ट्रांग एसिड है, ये वीक एसिड नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, NaOH इज अ स्ट्रांग बेस, ये सही है, NaOH एक स्ट्रांग बेस होता है क्योंकि इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन जो रहता है वो 7 से ज़्यादा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रू फॉल्स की ओर, तो नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है हमारे, व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर बिकम्स लेस देन 5.6, जब भी बारिश होती है और उसके पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो कहलाती है एसिडिक रेन, ये बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा आपका ट्रू नंबर 6। नंबर 7, रिएक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स पीएच वैल्यू, नहीं रिएक्टिविटी डिपेंड नहीं करती पीएच वैल्यू पे, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ओके ये आपका हो जाएगा फॉल्स। नंबर 8 है, टर्मरिक टर्न्स डार्क ब्राउन इन कलर इन बेसिक मीडियम, हाँ ये सही है, जो हल्दी होती है वो डार्क ब्राउन कलर में आ जाती है अगर वो बेसिक माध्यम में रहेगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस है मैच द कॉलम्स, अभी यहाँ पे जोड़ी मिलाना है, ठीक है तो हम देख लेते हैं, विनेगर, जो विनेगर है वो क्या है,
एक्चुअली जो विनेगर है वो है आपका एसिटिक एसिड, तो हम वन को किससे मिला रहे हैं, एसिटिक एसिड से, सी से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है आपका, इसका दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा नंबर थ्री देखें, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, जो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर है वो किसके लिए आवश्यक होता है, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस यदि पानी से मिल जाए या नमी से मिल जाए तो वो जिप्सम का रूप ले लेता है। ओके, फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर एक्सटिंग्यूशर के अंदर आपका बेकिंग सोडा मिलाया जाता है आग को बुझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर फाइव, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये परमानेंट हार्डनेस से मिलेगा, और ब्लीचिंग पाउडर आपका मिलेगा वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज में इसका काम आता है। ओके चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस है वन वर्ड, वन वर्ड आंसर है। जैसे अब आ गया क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्योर वाटर का पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच पावर ऑफ, आप देख सकते हैं पीएच का भी पूछ सकते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में या कई दूसरी प्रतियोगिताएं परीक्षा में पूछ सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है। ओके तो पीएच वैल्यू क्या है प्योर वाटर की, प्योर वाटर की पीएच वैल्यू है 7। विच एसिड, क्वेश्चन नंबर टू, विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन अवर स्टमक, हमारे आमाशय में हमारे पेट में कौन सी एसिड उत्पन्न होती है, तो वो होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ओके क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, विच एसिड इज प्रेजेंट इन नेटल लीव्स, नेटल की पत्तियों में कौन सी एसिड उपस्थित होती है, तो आंसर है आपका मेथानोइक एसिड। ओके मेथानोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम भी दिया है यहां पे और केमिकल फॉर्मूला भी, तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, देख रहे हैं आप सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन कोलर एल्कलाई प्रोसेस, तो कोलर एल्कलाई प्रोसेस में कौन से उत्पाद उत्पन्न होते हैं, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं हम, व्हाट इज ब्राइन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन, जो पानी का घोल होता है सोडियम क्लोराइड का उसी को हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। ओके समझ आ रहा है आपको, ब्राइन किसे कहते हैं, जो पानी जैसा घोल होता है सोडियम क्लोराइड का उसी को हम कहते हैं ब्राइन। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं, वॉट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर एट, What is the effect of an acid and a base on the smell of an onion? प्याज की दुर्गंध या गंध के ऊपर एसिड और बेस का क्या प्रभाव पड़ता है? तो smell of an onion remains as such in the presence of an acid and it diminishes or fades away in the presence of base. कहने का मतलब जब भी एसिड माध्यम होगा तो स्मेल बरकरार रहेगी, लेकिन अगर बेस के साथ इसको मिलाया जाएगा तो इसकी जो दुर्गंध या सुगंध है वो सब उड़ जाएगी, फेड्स अवे हो जाएगी। ओके तो ये थे आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट टू द अदर्स। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे।